जो पैदा होता है वह मरता जरूर है, इंसान भी पैदा होता है और बूढ़ा होकर मर भी जाता है। ऐसा सभी जीवों के साथ होता है, लेकिन इसमें एक अपवाद है, वह है अमर जेलीफिश। यह ऐसा जीव है जो बार बार अपने यौवन काल में लौट आने की क्षमता रखती है। स्पेन के शोधकर्ताओं ने ट्यूरिटोसिस डोरिनी नाम की जेलीफिश की अमरता का रहस्य जानने के लिए जीनोम सिक्वेंसिंग कर बहुत ही प्रमुख जीनोम को खोजा, जो मौत से बचने के अलावा उम्र लंबी योगदान भी देते हैं। स्पेन के शोधकर्ताओं की टीम ने एक खास जेलीफिश की जेनेटिक सीक्वेंसिंग की मैपिंग इस उम्मीद से की जिससे वह उनकी खास लंबे जीवन के रहस्य को उजागर कर सके और उसे जेलीफिश के उम्र ढलने के बारे में जानकारी हासिल कर सके। अपने विशेष अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने ट्यूरिटोसिस डोरिनी नाम की जेलीफिश के साथ उसी की अन्य प्रजाति ट्यूरिटोसिस रूब्रा की सीक्वेंसिंग की जिससे वह यह पता लगा सके कि वे कौन सी जीन्स हैं जो दोनों में इस खास विविधता को पैदा करती हैं। ट्यूरिटोसिस रूब्रा जेलीफिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद लंबा जीवन जीने की क्षमता नहीं रह जाती है। अपने जीनोम सीक्वेंसिंग के अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि ट्यूरिटोसिस डोरिनी के जीनोम में ऐसी विविधता है जिससे वह अपने डीएनए के प्रति बनाने और उसके मरम्मत करने में बेहतर बनाती है, और इसके साथ ही वे क्रोमोसोम के अंतिम छोर टेलोमर्स को ये भी कायम रखने में बेहतर होते हैं। टेलोमर की लंबाई इंसानों में उम्र के साथ कम होती जाती है। इमोर्टैलिटी और रिजुविनेट यानी पुनर्जीवन के लिए केवल एक ही कारक होने की जगह कई प्रणालियों की सक्रियता पाई गई। ये सारी प्रणालियां सहक्रियात्मक रूप से मिलकर एक साथ काम करती हैं, पुनर्जीवित कर देती है। दूसरे प्रकार की जेलीफिश की तरह ट्यूरिटोसिस डोरिनी को दो तरह के जीवन चक्र से गुजरती है। एक उसके समुद्री तल पर अलैंगिक दौर होता है जहाँ उनका मुख्य उद्देश्य कम भोजन मिलने पर भी जीवित रहना होता है। जब हालात अनुकूल होते हैं तब जेलीफिश लैगिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं। बहुत सी जेलीफिश में उम्र बढ़ने वाली प्रक्रियाओं को उल्टा करने की क्षमता होती है। यह क्षमता लैगिंग परिक्रता हासिल करने के बाद गवा देती है, लेकिन ऐसा ट्यूरिटोसिस डोरिनी के साथ नहीं होता। जेलीफिश का अध्ययन इंसान की अमरता दिलाने के तरीके खोजना नहीं है, लेकिन सेलुलर प्लास्टिसिटी के प्रमुख कारक और सीमाओं को समझने के लिए कुछ जीवों में समय के पीछे जाने की क्षमता का अध्ययन करना होता है। इस जानकारी से उम्मीद है कि वैज्ञानिकों को एजिंग से संबंधित बहुत सारी बीमारियों का इलाज के बारे में भी जानकारी मिल सकती है।